हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए, कल बेटा हम लोगों ने न्यूमेरिकल देखा था, ठीक है। आज बेटा हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक अपना तन विलयन। तन विलयन, डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है। डाइल्यूट मतलब आप देखते हैं जब दूध आता है घर में, ठीक है ना, तो उसमें जो है पानी और पानी और पानी, तो कैसा बन जाता है, तन हो जाता है। लेकिन जब दूध वो नया नया ताजा आ जाता है, ताजा दूध होता है, वो सांद्र होता है, गाढ़ा होता है, उसमें पानी डालते हैं और पानी डालते हैं तो वो तन हो जाता है, ठीक है ना। तो तन कैसे हो गया, जब उसमें मैंने पानी की मात्रा बढ़ा दी, ठीक है ना, और दूध कम, दूध उतना ही था, पानी मैंने बढ़ा दिया, मतलब विलायक ज्यादा है और विलेय कम है, विलायक ज्यादा है विलेय कम है, तो तन कहलाता है। बात समझ में आ गई। चल तो तन विलयन में क्या लिखेंगे, जिस विलयन में, जिस विलयन में विलेय की सांद्रता कम होती है, कम होती है, जिस विलयन में विलेय की सांद्रता कम होती है, तन विलयन कहलाता है। तन विलयन कहलाता है, जिस विलयन में विलेय की सांद्रता कम होती है, तन विलयन कहलाता है, ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग है सांद्र विलयन। सांद्र लाओ गाढ़ा, ठीक है ना, तो गाढ़े में क्या होगा, विलेय की सांद्रता अधिक कर दो, बिल्कुल सेम ऐसे ही। जिस विलयन में विलेय की सांद्रता की सांद्रता अधिक होती है, अधिक होती है, सांद्र विलयन कहलाता है। सांद्र विलयन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन, सेचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है ना, सेचुरेटेड सॉल्यूशन। लिख लिया, लिख लीजिए। हो गया। चलिए देखिए, ये हमारे पास में एक पात्र है जिसमें जल भरा हुआ है,
इसको हम लोग गरम कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हमने चीनी डाली 1 किलोग्राम, चीनी इसके अंदर डाली घुल गई। फिर इसके अंदर मैंने 2 किलोग्राम डाली घुल गई, 3 किलोग्राम डाली घुल गई, 4 किलोग्राम डाली घुल गई, 5 किलोग्राम डाली घुल गई, 6 किलोग्राम डाली, ठीक है ना। एक एक करके डालना, एक एक किलोग्राम करके डालना, पहले 1 किलोग्राम डालना, फिर 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 1 किलोग्राम डालना। तो यहां तक तो घुल गया, ठीक है ना। अब यहां पर ये नहीं घुल रहा है, जब घुलना बंद हो जाए, जब चीनी घुलना बंद हो जाए, यानी कि विलेय पदार्थ, चीनी भाई क्या है हमारा, विलेय है ना, और जल जो है विलायक है, तो विलायक में जब चीनी घुलना बंद हो जाए, तो यहां पे देखो गर्म कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये एक निश्चित ताप होगा जहां पे ये घुलना बंद करेगी चीनी, इसमें उस ताप पर जब चीनी जल में घुलना बंद हो जाए, तो यहां पर जो विलयन बनेगा उस विलयन को कहा जाता है संतृप्त विलयन, ठीक है। इसी पे से डिफिनेशन बनाते हैं इसकी, ध्यान देखना। संतृप्त विलयन में देखिए, किसी निश्चित ताप पर किसी निश्चित ताप पर जब विलायक किसी निश्चित ताप पर जब विलायक विलेय पदार्थ की किसी निश्चित ताप पर जब विलायक विलेय पदार्थ की मात्रा को किसी निश्चित ताप पर जब विलायक विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा को घोल क्षमता की घोलने की क्षमता नहीं रखता है, नहीं रखता है, तो ऐसे विलयन को संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। संतृप्त विलयन कहते हैं, हो गया। आपने देखा है चाय गर्म बेटे बनाते हैं, तो आप जानते हैं चाय अधिक ही मात्रा में, कुछ लोग कम सीठी, कुछ लोग कम चीनी वाली चाय पीते हैं, जिसको आपकी लैंग्वेज में सीठी चाय बोलते हैं, कुछ लोग बहुत मीठी चाय पीते हैं, अधिक चीनी डालते हैं उसमें, तो आप उसको गर्म करते हो तभी तो चीनी घुलती है। चीनी और ऐसे घोलोगे घुलेगी नहीं बेटा उसमें नॉर्मल, ठीक है ना, वही चीज बेटा है। आगे बेटा है असंतृप्त विलयन, असंतृप्त
विलियन अन सेचुरेटेड रेटेड सॉल्यूशन, यस सर अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, जी सर ठीक है, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। अब देखिए, आपने जलाव बनाया होगा रसगुल्ले का, क्या होता है, आपने इसमें चीनी डाली, ठीक है, अब ये जो है घुल नहीं रहा था, मैंने बताया 6 किलो में घुल नहीं रहा था, लेकिन मैं इसको और ताप दे दूं और गर्म कर दूं तो जिससे चीनी घुल जाए, जलाव देखा होगा आपने, तो हमारा वो कहलाता है असंतृप्त विलयन, ठीक है। जो लिखते हैं यहां पे परिभाषा, किसी ताप पर, किसी ताप पर विलायक में घुले हुए पदार्थ विलेय पदार्थ, किसी ताप पर विलायक में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा मात्रा विलेय पदार्थ की मात्रा के अतिरिक्त अतिरिक्त की मात्रा के अतिरिक्त और अधिक विलेय पदार्थ और अधिक विलेय पदार्थ घोला जा सके, घोला जा सके, घोला जा सके, तो उस ताप पर, उस ताप पर उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं, विलयन कहते हैं, सेटिंग है अति संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन, सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन, अति संतृप्त नहीं कहते, अति कर दे, ऐसा विलयन, ऐसा विलयन जिसमें, ऐसा विलयन जिसमें जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्त विलयन से अधिक ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्त विलयन से अधिक घुली होती है, घुली होती है अति संतृप्त विलयन कहलाता है,
अतिसंतृप्त विलयन कहलाता है। ओके, बाकी बेटा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।